स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एरिया ऑफ कर्व्स, जिसमें हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नहीं, आप जानते ही होंगे ये इलिप्स की इक्वेशन होती है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इसके लिए देखिए, हमने फिगर बनाया, ये फिगर इलिप्स होता है ये इस टाइप से। तो गिवन हमारे लिए क्या गिवन है, इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। ओके, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्वेश्चन नंबर वन। और हम इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालना है इससे। कैसे, कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर इधर, यहाँ एलसीएम, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट इस पर आ जाएगा। क्या हो गया, y इज इक्वल टू वी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। देखिए, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल y dx। सिंगल हमने अब तक क्वेश्चन किए थे डबल इंटीग्रेशन से, वो फॉर्मूला होता था इंटीग्रल dx dy, डबल इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रल में होगा इंटीग्रल y dx। ओके, तो y हमने इसीलिए फाइंड आउट किया है इक्वेशन से, y आ गया हमारे पास। अब हमें लिमिट चाहिए किसकी, x के लिए। तो जब x के लिए लिमिट हम फाइंड करते हैं तो हम y की वैल्यू जीरो लिखते हैं इक्वेशन में। y इक्वल टू जीरो इन वन, इसमें पुट करिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की प्लेस पर जीरो लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू वन। सॉल्व किया इससे एक्स स्क्वायर, सॉरी x इक्वल टू a आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलिप्स का एरिया। फॉर्मूला बताया गया वाई डी एक्स, इंटीग्रल वाई डी एक्स। चूंकि लिमिट अपने यहाँ एक्स की वैल्यू ए है और ओरिजिन से लेते हैं जीरो से ए, ये फोर क्यों लिखा है हमने, इसका रीजन है कि ये जो एरिया आएगा जीरो से ए वो इतनी पार्ट का आएगा। चूंकि ऐसे फोर पार्ट्स हैं तो फोर टाइम्स हो गया, ये तो बाई फिगर हमने बता दिया। एक हम इक्वेशन को देखकर, मान लो हमें ये कर्व नहीं पता कि ये कौन सा है, तो हम इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम बाई की वैल्यू जीरो रखें तो एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू जीरो रखें तब बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो कर्व है, कर्व इज सिमेट्रिकली अबाउट बोथ एक्सिस, मतलब जो कर्व की जो फिगर है वो दोनों एक्सिस के अबाउट है। देखिए, एक्स एक्सिस पर ये और वाई पर भी बना हुआ है। कुछ कर्व ऐसे होते हैं केवल एक एक्सिस पर होते हैं, या वो एक्स पर होते हैं या वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, तो उसको हमें ये देखना पड़ता है कि इस इक्वेशन से जो कर्व की हमें दी हुई है उसमें x और y की वैल्यू अलग अलग आ रही, तब हम कहेंगे दोनों के रेस्पेक्ट है या दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। और अगर किसी एक की वैल्यू आ रही है, जैसे x की वैल्यू फाइंड हुई, तो हम कहेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस,
अगर वाई की वैल्यू फाइंड हो रही है उस कर्व से तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, वाई की वैल्यू हमने ये लिखी है 4 या आई है 0 टू, इसका इंटीगल वी अपॉन 4 वी अपॉन ए बाहर इंटीगल, ये याद होगा आपको अंडर रूट इसका माने एक्स स्क्वायर का इंटीगल का फॉर्मूला ये होता है लिमिट 0 टू ए। लिमिट हम इसमें अप्लाई करें तो एक्स की जगह ए लिखा जाएगा, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह 0 लिखा जाएगा। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आया वो ये, जब हम ए लिखेंगे तो ए इसका माने इस पर 0, ये टर्म 0 प्लस ए लिखेंगे तो ए अपॉन ई 1 हो जाएगा, ए अपॉन ई माइनस 0 लिखेंगे तो इसे एक्स की वजह से 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, ये 0 हो गया, ये टर्म बची केवल ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, आप जानते होंगे। सॉल्व कर लिया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व ये है एंड इट्स एजेंट्स। कर्व इज, कर्व हमें गिवन है, यहां से लिखा है हमने द इक्वेशन ऑफ एजेंट्रोड इज, देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशियंट जो भी होता है वो एजेंटोट की इक्वेशन होती है, या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वाई के पदों में तो वो भी एजेंटोट होता है, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट या हम एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट इसमें है ही नहीं, वाई की हाईएस्ट पावर है वाई स्क्वायर यानी वाई की पावर 2, इसका कोफिशियंट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2a, तो एजेम्प्टोट और कर्व के बीच का एरिया चाहिए तो लिमिट ये वाली ही यूज होगी, एजेम्प्टोट वाली लिमिट एक्स इक्वल टू 0 टू 2a, ओरिजिन से लेते हैं 2a, कर्व से हम वाई फाइंड करें। देखिए क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, अंडर रूट ले लिया हमने दोनों साइड। अब हम ये देखें कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दोनों के हैं या फिर एक के हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अगर एक्स इक्वल टू 2 है, वाई की वैल्यू हम आएगी तो 0 आएगी, तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर रिकॉर्ड एरिया में 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि कर्व ऐसा होगा, इस टाइप से हो सकता है, ये एक्स इक्वल टू 2 है, एरिया केवल 2 पार्ट का होगा तो 2 टाइम होगा, जहाँ 4 पार्ट होते हैं दोनों साइड होता है ये कर्व, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट है तो एक्स एक्सिस ही कट कर रहा है, वाई एक्सिस तो ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर ये वाई को कट कर रहा होता तो वाई तो 4 से होती मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ से, इसका इंटीग्रल करना है। देखिए इंटीगल करने के लिए सर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा, क्या एक्स इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा इसमें पुट कर दें तो डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर लें 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो एक्स की जगह पर हम ये लिखेंगे ये वाली वैल्यू और डी एक्स की जगह ये वाली, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट क्या एक्स इक्वल टू 0 के लिए यहाँ 0 लिखें, एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा इक्वल टू 0 थीटा 0, कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है आप देख सकते हो, सेल्फ करनी है आपको, लिमिट एक्स इक्वल टू 2a के लिए ये 2a हमें फिर यहाँ लिखना है,
ये लिख दिया, कैलकुलेशन करिए, थीटा पाई बाई टू आएगा। वैल्यू पुट की हमने x की 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट चेंज हो गई 0 to 5, यानी पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया फंक्शन थीटा में, वेरिएबल थीटा में, सॉरी 0 to π/2, ये 2 चल रहा है ऐसे, इसमें से हमने 2a की पावर 3/2 और ये साइन की पावर 3 रह जाएगा और ये अंडर रूट 2 ए कॉमन ले लिया इसमें से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सारी कैलकुलेशन है, ये करनी तो आपको खुद है, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी हिंट क्या क्या किया गया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, ये इससे कैंसिल कर दिया, 2 ए की पावर हाफ इसमें से माइनस कर दी, 2 ए बचा, 4 ए 8 ए स्क्वायर और 2 ए 16 ए स्क्वायर बाहर, साइन की पावर 3 ए 1 ए साइन की 4 थीटा। इसका पूरा कैलकुलेशन हट करके सरल करके यहाँ पे ये स्क्वायर साइन की 4 थीटा, कॉस नहीं है इसमें, कॉस की पावर 0 थीटा हमने अपनी तरफ से लिख लिया क्योंकि कॉस 0 1 होता है। इसमें गामा फंक्शन वाला फार्मूला यूज किया, ये वाला इंटीग्रल का जो रिडक्शन फार्मूला में आपको बताया गया था वो फार्मूला। एम कितना है 4 और एन है 0, इसमें लिख दिया तो ये आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने, जो वैल्यू हमने वहाँ बताई थी वही वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की। ओके okay?